अगर आपके कमर में दर्द रहता है और साथ में आपके एक पैर या फिर दोनों पैर में पीछे की तरफ खिंचावट सा महसूस होता है और साथ में झंझनाहट सा भी महसूस होता है, तो हो सकता है आपको एक सीरियस कंडीशन जिसको हम सियाटिका बोलते हैं, आपको सियाटिका का तकलीफ हो गया हो। ठीक है, इसके कई सारे रीजंस होते हैं, इसमें से एक मुख्य रीज़न है स्लिप डिस्क। लेकिन केवल स्लिप ही डिस्क इसका रीज़न नहीं है, इसके और बहुत सारे रीजंस हैं और इसी के ऊपर मैं आज का वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि सियाटिका क्या होता है, इसके क्या डिफरेंट कॉजेस हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको उस डिफरेंट कॉजेस के डिफरेंट ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, उसका एक्सरसाइजेस के बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो इसीलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ मैं लेकर के आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सियाटिका होता क्या है। देखिए, सियाटिका जो टर्म है वो सियाटिक नर्व से लिया गया है। हमारे कमर से सियाटिक नर्व निकलता है, हमारे लंबर रीजन से सियाटिक नर्व निकलता है और हमारे पैरों के पीछे से होते हुए वो हमारे तलवे तक जाता है। यानी कि हमारे पैरों का जो नस का जो सप्लाई है वो सियाटिक नर्व से ही होता है। ठीक है, तो किसी कारणवश मान लीजिए हमारे कमर में या फिर हमारे लंबर रीजन में अगर सियाटिक नर्व में किसी प्रकार का दबाव पड़ रहा है, ठीक है, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार का इरिटेशन हो रहा है, तो हमें एक सिम्टम्स नज़र आता है कि कमर में दर्द होता है, साथ में जहाँ जहाँ नस वो पास हो रहा है वहाँ पे वो खिंचावट या फिर झंझनाहट सा महसूस होता है। यही कंडीशन को हम सियाटिका बोलते हैं, यानी कि सियाटिक नर्व में किसी प्रकार का कंप्रेशन या इरिटेशन को हम सियाटिका बोलते हैं, जिसमें सियाटिक नर्व जो है में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो सियाटिका का क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका सिम्टम्स एक है कि आपको कमर में दर्द होगा। कमर में दर्द होने के साथ साथ आपके पैरों में जांघ के पीछे और आपके लोअर लेग के पीछे में खिंचाहट सा महसूस होगा। जब भी आप बैठने की कोशिश करेंगे, आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, आप किसी पोजीशन में गलत पोजीशन में आप खड़े हो गए, तो आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन में एक खिंचाहट सा आपके पैरों के पीछे महसूस होगा, जो आपको काफ़ी तकलीफ़ देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस पोजीशन में बैठे, किस पोजीशन में नहीं बैठे, और समय के साथ क्या है ये प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। खिंचाहट के साथ साथ अगर प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे झंझनाहट सा भी महसूस होता है, जिसमें हमें करंट मारने जैसा फील होता है हमारे पैरों में। ठीक है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो मैंने देखा है कि इवन उनको सोते समय भी तकलीफ़ होता है, जब वो करवट बदलते हैं, हल्का सा भी करवट बदलते हैं तो उनके पैरों में ज़बरदस्त खिंचाहट होता है और झंझनाहट पैदा होता है। उनको अपने टॉयलेट एक्टिविटीज़ करने में तकलीफ़ होता है, अपने जॉब में, अपने घर का काम करने में काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो इसके क्या डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सियाटिका जो है वो सियाटिक नर्व के कंप्रेशन से, दबाव से होता है। तो इसके क्या डिफरेंट रीजंस है कंप्रेशन के, जो सबसे कॉमन रीज़न है उसको हम लोग PIVD या फिर प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। इसके दूसरे नाम भी है, जैसे कि लंबर डिस्क हर्निएशन, लंबर डिस्क बल्ज, स्लिप डिस्क, इन सब डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि हमारे स्पाइन में, हमारे रीढ़ की हड्डियों में बोन्स होते हैं, उस बोन को हम लोग बोलते हैं वर्टेब्रल बॉडी। ठीक है, तो हमारे गर्दन से लेकर के हमारे कमर तक बहुत सारे वर्टेब्रल्स बॉडी होते हैं। तो हमारे कमर में होता है L1, L2, L3, L4 और S1, ये सारे वर्टिब्रल्स बॉडी होते हैं। ठीक है, तो दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में एक सॉफ्ट जेली लाइक डिस्क होता है। ठीक है, वो डिस्क बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए, हमारे शरीर में एक शॉक एब्जॉर्बिंग का वो काम करता है। जैसे हम जंप करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, अभी तो ओलंपिक स्टार्ट हो गया है तो ओलंपिक में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, जिमनास्टिक में कितना, स्विमिंग में कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो उन सब का जो शॉक है वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वही उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे रीढ़ की हड्डियों को लचीला बनाता है। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए उस इंटरवर्टेब्रल डिस्क में किसी प्रकार का क्रैक आ जाए तो उसके अंदर से एक जेली मटेरियल बाहर आ जाता है जो हमारे सियाटिक नर्व को दबाने लगता है। ठीक है,
अगर वो ज़्यादा निकला है तो ज़्यादा दबाएगा, अगर कम निकला है तो कम दबाएगा। जो सिम्टम्स है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कितना ज़्यादा दबा रहा है, कितना ज़्यादा नहीं दबा रहा है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्लिप डिस्क के क्या चार स्टेजेस हैं, इसके चार स्टेजेस होते हैं, उसका जो सीवियरिटी के अनुसार इसके चार स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम यही समझ लेते हैं कि स्लिप डिस्क में क्या होता है कि डिस्क में क्रैक आ जाता है, जैसे जेली मटेरियल बाहर आ जाता है और हमारे सियाटिक नसों को दबाता है। जब वो दबाता है तो हमारा नस इरिटेट होता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है और जहाँ जहाँ वो सप्लाई कर रहा है हमारे जांग के पीछे, हमारे पैर के पीछे, वहाँ वहाँ खिंचाहट महसूस होता है और झंझनाहट सा महसूस होता है। तो ये था पहला रीज़न जिसको हम लोग डिस्क बल्ज कहते हैं या फिर प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन रीज़न है जितने भी रीजन्स मैं आगे आपको बताऊँगा। इसके बाद और बहुत सारे रीज़न हैं लेकिन मैं दो मेन रीज़न्स आप लोगों के लिए चुन के लाया हूँ। दूसरा जो रीज़न है उसको हम लोग स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एनाटॉमी समझना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में डिस्क होता है, तो हमारा जो नस है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो वर्टिब्रल बॉडी के पीछे एक स्पाइनल कैनाल होता है, उस कैनाल से होते हुए गुजरता है, उसी में से नसें निकलती है, ठीक है। और वो जो निकलता है वो एक स्पाइनल रूट कैनाल से निकलता है, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश वो जो कैनाल है, उस कैनाल में धीरे धीरे क्या होता है कि बोन का एक लेयर जमने लगता है और वो जो कैनाल है वो उसका जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे संकरा होने लगता है। जब वो संकरा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से जो नस निकल रहा है उसको वो दबाएगा, कंप्रेस करेगा, जिसके वजह से इरिटेशन होता है और जो सिम्टम्स है मैंने जो बताया वैसा ही उसका भी सिम्टम्स होता है। तो ये था उसका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है और कॉमन कारण है वो है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम। ये भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो कारण एक साथ रहता है, यानी कि स्लिप डिस्क भी आपका कॉज में है और पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम भी सियाटिका का कॉज एक साथ रहता है। तो हम स्लिप डिस्क के ऊपर में ध्यान तो देते हैं लेकिन पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम को छोड़ देते हैं, जिससे आधा अधूरा ट्रीटमेंट रहता है और उनका पेन जो है कम तो हो जाता है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। तो ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे बटक्स के साइड में एक मसल्स होता है जिसको हम बोलते हैं पायरीफॉर्मिस मसल्स, ठीक है। ये मसल्स हमारे ऊपर कमर से शुरू होता है और हमारे हिप बोन में जाकर के वो जुड़ता है, एक फ्लैट मसल्स है, ठीक है। उसी मसल्स के अंदर से नस गुजरता है। मान लीजिए ये पेन एक नस है, वो नस इस मसल्स के अंदर से होते हुए गुजरता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा मसल्स लचीला है, नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जिनका काम लंबे समय तक बैठे रहना, जैसे कि ट्रक ड्राइवर या फिर जो दूसरे प्रकार के जो ड्राइवर होते हैं, जो ऑफिस में लगातार घंटों घंटों 8 घंटा लगातार बैठने का काम करते हैं, उनमें क्या होता है कि वो पायरीफॉर्मिस मसल्स में काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है और वो धीरे धीरे टाइट हो जाता है, ठीक है। उसमें एक स्टिफनेस डेवलप हो जाता है। तो जब उसमें स्टिफनेस डेवलप हो जाएगा तो वो क्या है कि उस नस को वो दबाएगा, ठीक है, उस नस को वो दबाएगा, जिससे वही सियाटिका का प्रॉब्लम होगा और हमारे कमर में वही सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, पैरों में खिंचाहट और झंझनाहट का सिम्टम्स दिखाई देगा। ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पुराना केस है। जितना पुराना यानी कि जितना क्रॉनिक केस है उतना ही ज़्यादा उसमें सिम्टम्स रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो तेज़ी से खींचेगा या फिर उतना ही सीवियरिटी से आपको झंझनाहट महसूस होगा। तो नॉर्मली ये केस, ये जो पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम है, मिस हो जाता है और हम लोग का ध्यान दूसरे कारणों पे चला जाता है। इसीलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम भी एक रीज़न हो सकता है सियाटिका का। तो ये तो था डिफरेंट रीज़न, और भी डिफरेंट रीज़न है। मैं एक केस आपसे डिस्कस करता हूँ कि मेरा एक केस था जिसमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। मैंने स्लिप डिस्क को उसकी पूरी तरह से उसको ट्रीटमेंट किया, अच्छी तरह से एड्रेस किया, उनका दर्द तो कम हो गया लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम के ऊपर ध्यान दिया, फिर थोड़ा सा दर्द कम हुआ लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हुआ। मैंने फिर उनको हायर ट्रीटमेंट के लिए फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया, उन्होंने कोलकाता गए और वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया, तब वहाँ पर डायग्नोस हुआ कि उनको इंट्रा यूटराइन ट्यूमर हुआ है, यूट्रस के पास ट्यूमर हुआ है। उस ट्यूमर की वजह से वो नस को वो दबा रहा था, जिसकी वजह से वो सियाटिका हो रहा था। तो
देखिए ये भी एक रीज़न हो सकता है, एक ट्यूमर भी एक रीज़न हो सकता है सियाटिका का। ये बहुत रेयर केस है इसलिए मैं आप लोगों को इसको मैं इसमें कंसिडर नहीं करूँगा। मेरा कहने का मतलब है कि और भी दूसरे रीजन्स हो सकते हैं, अगर मान लीजिए कॉमन रीजन्स से ठीक नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे रीजन्स का भी तलाश करना होगा, दूसरे डिपार्टमेंट में रेफ़र करके, अच्छे हायर हॉस्पिटल्स में रेफ़र करके आपको उसको फाइंड आउट करना होगा। जितने भी मैंने तीन डिफरेंट रीज़न बताए, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। इन सब के ऊपर मैं आगे चल के वीडियोस में लेकर के आऊँगा। अगला एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि स्लिप डिस्क के क्या चार स्टेजेस हैं और चारों स्टेजेस के क्या डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जितना हो सके मैं आप सबका कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।